कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, और ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ भी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यही सब ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। और आदिक पापा ने सत्तू का शरबत लिया था, क्योंकि वो मीठा नहीं लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं मसाले भून रही हूँ, यहाँ सीधे मैं लंच ही बना रही हूँ। लंच बनाकर फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी, हमने आलू गोभी को ना बॉयल कर लिया है। बॉयल करने से क्या होता है, तेल कम लगता है, क्योंकि आलू गोभी को भूनते हैं ना तो उसमें भी तेल जाता है। और मसाले हमने बहुत ही, आपको देखने से लग रहा होगा लेकिन मसाले हमने बहुत कम डाला है। और यहाँ पर प्याज टमाटर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इस तरह का कलर भी आ रहा है। और मसाले हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमने गरम मसाला लास्ट में डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और देखिए, अब हम पानी डाल देंगे, क्योंकि गोभी आलू हम अगर भूनते ना, फ्राई करते, तो उसमें भी तेल जाता है, जितना कम तेल यूज हो। और इसको, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लगता नहीं है कि हमने फ्राई नहीं किया है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी, और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें लटपट सा बनाऊंगी, थोड़ा सा बॉयल आने दूंगी, ताकि जो मसाले हैं ना वो मतलब ये आलू और गोभी बॉयल है तो इसमें मसाले एब्जॉर्ब हो जाए। तो और ऊपर से धनिया पत्ती हमने डाल लिया, और ढककर थोड़े देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम इसमें बॉयल आने देंगे, तो सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही हो रहा है आजकल, लंच ही सीधे बन रहा है, मन नहीं हो रहा है सुबह में खाने का कुछ भी। और देखिए, सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई। मैं थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा लेटे, उसके बाद कुछ काम भी हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम हुआ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना मैं भूल गई थी कि बहुत पहले मैंने बताया था कि मेरा AC ख़राब है, तो फाइनली बन गया था, मैं बता नहीं पाई थी। हो गया 10-15 दिन तो हो ही गया बने हुए, तो अच्छा हुआ, नहीं तो अभी इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही ना, हालत ख़राब हो जाती, बहुत गर्मी है। और आज क्या हुआ, मेरा क्लटर निकला है, ये सब फालतू का किसी काम का नहीं है, और इसी तरह से जगह को घेरे हुए था। तो आज इसको हम लोगों ने, आदि के पापा और मैं मिलकर, कि यूजलेस है ये सब चीज़ें, तो इसको हमने निकाल दिया। तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि पेपर वगैरह होता है ना, देखभाल के हटाना होता है, तो सारा कुछ यूजलेस है, तो इसको हमने हटाया। अभी मैं हटाऊँगी, और देखिए सिरो, यहाँ ये फ़र्श ना ठंडा ठंडा है, अभी एकदम ठंडा ठंडा है, तो इसको सिरो को अच्छा लगता है, इसलिए फ़र्श पे सोता है। जब ठंडा लगेगा तो इस पे आ जाएगा, नहीं तो फिर नीचे सोता। चाय का टाइम हो गया है, चलिए चाय बनाते हैं किचन में। तो यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने से पहले हम लोग एक एक गिलास पानी पियेंगे। तो पानी हमने ले लिया ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी मैं मिलाऊँगी, और पानी पियेंगे। पानी जितना पियो उतना कम है, तो पानी पहले पियेंगे। पानी तो ऐसे पी के हम लोग पेट भर ले रहे हैं आजकल। और यहाँ पे चाय बन रही है, तो चाय बनने के बाद ना सीधे मैं डिनर की तैयारी करूँगी। अभी दीपक वगैरह जलाऊँगी शाम में, अभी तो थोड़ा टाइम है। पहले पौधे में पानी डालूँगी, फिर दीपक जलाऊँगी, फिर डिनर में क्या बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। चाय पीने के बाद सीधे मैं डिनर के लिए आऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। और देखिए, यहाँ चाय बन गई। तो आदि के पापा चीनी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए हमने चाय निकाल दिया। अब खुद मैं चीनी में डालूँगी। तो कितना भी गर्मी हो ना फ्रेंड्स, तो चाय की जिसको तलब होती है वो चाय पी ही लेते हैं। तो हम लोग भी, तो इसलिए अंदर रूम में बैठ के पीते हैं आजकल, खाना नाश्ता जो भी हो रहा है ना, अंदर कमरे में बैठकर हो रहा है, क्योंकि बाकी जगह तो बैठने का मन भी नहीं होता है। और देखिए, यहाँ हमारी भी चाय बन गई, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और अरहर दाल ख़त्म हो गई थी, दाल भी आ गया है, तो चलिए उसको भी रख लेते हैं। सारी दालें थी, बस अरहर दाल ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़्यादा यूज़ ना यही दाल होता है। तो चलिए दाल रख लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर में कुछ, जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी हमने बनाई थी ना, वो अभी बची हुई है, तो हमने फ्रिज में रख दिया था। और मीठी वाली आम की चटनी बनाई है, वो भी ख़त्म हो गई है, मैं उसको भी बनाना है, तो मैं बनाऊंगी, तो इस पर दूसरे तरह से बनाऊंगी, और आप लोग साथ शेयर भी करूंगी। कच्चे आम की जो मीठी वाली चटनी होती है, लौंजी जिसको बोलते हैं, वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना, किसी पूड़ी पराठे के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही बनाऊंगी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी हमने बनाई थी, तो कुछ ज़्यादा ही बना दी थी, तो सब्ज़ी पड़ी हुई है, चटनी भी है, आम की भी चटनी मैं पीस के रखी हूँ, खट्टे वाली और खट्टी मीठी वाली चटनी भी है। तो चलिए अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ, प्याज को कट करूँगी बारीक बारीक, और हरी मिर्च कट करूँगी, और धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ, आधी का मन है पनीर का पराठा, तो मेरे लिए भी सिंपल हो गया कि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सब्ज़ी वगैरह है, आलू गोभी वाली सब्ज़ी भी है, और आदि को तो वैसे भी पनीर पराठा के साथ ना, वो सॉस या चटनी के साथ ही खाता है, उसको नहीं चाहिए, तो चलिए बनाते हैं। तो हमने कटिंग कर ली है,
और आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था, क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले लगा के रखो तभी पराठे वगैरह अच्छे बनते हैं। तो आटा नॉर्मल भी हो जाएगा, थोड़ा सेट भी हो जाता है। ये भी मैं तैयारी कर चुकी हूँ, प्याज हरी मिर्च और धनिया पत्ती कट कर लिया है, और पनीर को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। फ्रीजर में रखने से ना ये हार्ड हो गया है। और यहाँ पे मैं बटर को भी निकाल रही हूँ, डब्बे में डाल रही हूँ, तो बटर आ जाएगा इस बॉक्स में। और यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स लिया है, तो आज बनेगा पनीर का पराठा। आटा भी हमने लगा लिया है, ये देखिए आटा हमने लगा लिया है, आटा हमने लगा लिया है पहले ही। और यहाँ पे हमारा दूध भी बॉयल हो गया है, तो आज बनेगा पनीर का पराठा। हमने तवा रख दिया है, लेकिन पनीर अभी हार्ड है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो अब पनीर सॉफ्ट हो गया है, तो चलिए तैयारी कर लेते हैं और गरम बनाकर सबको अभी इसी टाइम खिला भी देंगे, तो हमारा भी काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है ना, तो हम किचन वगैरह क्लीन कर लेते हैं जल्दी से, और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो गर्मी में जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसको कद्दूकस कर ले रही हूँ, फ्रीजर में रखने से ना हार्ड हो गया था, इसलिए ज़्यादा सूखा सूखा सा भी नज़र आ रहा है। और जो भी हमने कट करके रखा है, प्याज हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आपके अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना कम मसाला डाल के बनाऊँगी। तो इसमें पहले हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और इसमें जाएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक भी डाल देंगे, तो ज़्यादा ना मसाला अच्छा भी नहीं लगता है। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला भी डालेंगे, चाट मसाला डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि हरी मिर्च प्याज धनिया पत्ती ये सब हमने डाल ही दिया है, तो बस हमने चाट मसाला डाला था थोड़ा सा। और इधर हम पराठे भी बना लेंगे, तो चलिए पराठे बना लेते हैं। और आदि को भी लग गई भूख, क्योंकि लंच ही किया था सीधे, तो बच्चों को भूख लग भी जाती है, और अभी 7:30 हो भी रहा है, तो फटाफट से बन जाएगा हमारा पराठा। और मेरी याद है ना, रोटी या पराठा मैं बनाती हूँ तो गरम गरम बनाती हूँ, बनाते जाती हूँ और खिलाते जाती हूँ, इस तरह से मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। और लोगों को खिलाने के बाद ना मैं किचन क्लीन करके लास्ट में खुद खाती हूँ, या तो कभी कभी नहा भी लेती हूँ, मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा लेती हूँ, फिर डिनर करती हूँ, तो अच्छा लगता है। गर्मियों में नहा कर और डिनर करो तो बहुत अच्छा लगता है। और खाना देखो, कुछ पराठे ऐसे होते, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि गर्म गर्म ही अच्छी लगती, चाहे कितनी भी गर्मी हो, तो मैं बनाकर सीधे कमरे में ही सब लोग खा लेते हैं, तो गर्मी उतनी नहीं लगती है, नहीं तो वैसे तो बहुत गर्मी है। इसमें हमने ज़्यादा इसलिए मसाला भी नहीं डाला कि पनीर का पराठा थोड़ा सा लाइट ही रहे, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, इसलिए हमने सिर्फ चाट मसाला ही डाला था, और प्याज और जो कट करके डाला था, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला था, बाकी कुछ भी नहीं डाला था। तो थोड़ा थोड़ा बटर लगाकर मैं सेक लूँगी और खिला दूँगी। दो दो पराठे बनाने हैं सबके लिए, जल्दी से बन भी जाएगा और हमारा काम भी ख़त्म हो गया। तो आज ना हमने सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया आप लोग साथ शेयर किया फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी तो वीडियो नहीं है, 8 से 9 मिनट का वीडियो मैं बनाती हूँ, ज़्यादा इससे भी छोटा छोटा मेरा वीडियो बनता है, तो आपको समय मिले तो ज़रूर इसे पूरा देखिए। और यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।